हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ श्रुति और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म इन 3 मिनट्स। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं फ्यूडलिज्म, ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो क्लास 11th एनसीईआरटी में जो आपको इसके बारे में बताया गया है वो ये कि एक जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मतलब क्या है, फ्यूड से। फ्यूड कौन, इसका मतलब क्या है, पीस ऑफ लैंड, यानी कि जो पूरा टॉपिक है दिस इज अबाउट लैंड, जमीन के बारे में ये पूरा टॉपिक है। अब ये जो फ्यूडलिज्म है ये एक सिस्टम है। सिस्टम कहाँ पर था स्टूडेंट्स, ये यूरोप में सिस्टम था। कैसा सिस्टम था, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल, समझ में आ जाएगा बताऊंगी अभी। 9th से लेकर के 15th सेंचुरी के बीच में मिडिल एजेस में था। अब दूसरी चीज हमें क्या देखने को मिलती है कि जो ये फ्यूडलिज्म वर्ड है स्टूडेंट्स, ये मिडिवल लैटिन टर्म से डिराइव हुआ है। हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, फी एंड फ्यूडम। फीफ, फीफ क्या है स्टूडेंट्स, इसका अगेन मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। अब पीस ऑफ लैंड क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो सिस्टम था ये यूरोप में था, मिडिल एजेस में था। आपको यहाँ पर एक हायरार्की नजर आ रही है, किंग, नोबल्स, नाइट्स, सर्व्स एंड पीजेंट्स की वेरिएशंस हैं। देखिए हर जगह एक जैसा सिस्टम नहीं था, लेकिन जो हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है वो ये है, किंग ऐसा मानते थे कि जितनी भी जमीन है उनकी किंगडम है वो सबको, सबका सब किंग को बिलोंग करता है। प्लस किंग जो है वो अपने लैंड के बहुत सारे पीसेस को, फिक्स नहीं थे लेकिन वो उसको नोबल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है। क्यों गिफ्ट करेगा, ताकि नोबल्स उसको बदले में सर्विसेज प्रोवाइड करें। नोबल्स जो हैं उन लैंड को, अपने हिस्से के लैंड को टुकड़ों में करके नाइट्स को दे सकते थे, नाइट को देते थे। क्यों देते थे, ताकि नाइट्स उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। सेम चीज़ सर्व्स एंड पीजेंट्स के साथ भी लैंड दिया जाता था। क्या प्रोवाइड करते थे ये सब कुछ, तो ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। जो ये सर्व्स एंड पीजेंट्स वर्क विदाउट पे, बिना पैसे लिए काम करके देते थे। तो आपको क्या समझ में आता है कि ये एक सोशल आपको हायरार्की भी नजर आती है, प्लस इकोनॉमिक भी आपको चीजें नजर आती है, प्लस पॉलिटिकल सिस्टम भी नजर आता है। तो आप, अब मैंने आपको बात की थी फी को लेकर के, फी किस लिए स्टूडेंट्स, फी इसीलिए कि जो किंग है वो देता था लैंड। लैंड जो है इसका मतलब होता है फीफ। फीफ जो है लैंड देते थे उसको, ये जो लैंड है वो फी की तरह काम करती थी, ताकि बदले में जो किंग है वो मिलिट्री सर्विस को ले सके। क्योंकि जो किंग है वो तब तक किंग है जब तक वो अपने किंगडम को संभाल सके। किंगडम को कब तक संभाल पाएगा, जब तक उसके पास मिलिट्री होगी, आर्मी होगी। तो ये पेमेंट होती थी, लैंड जो था वो काइंड ऑफ पेमेंट था रेगुलर मिलिट्री सर्विस के लिए और वर्क विदाउट पे के लिए, बाकी सारे काम भी तो करने पड़ेंगे उनके लिए। अब इसका जो बेसिक आइडिया वो ये है कि एक ऐसी सोसाइटी को स्ट्रक्चर करना जिसमें जो रिलेशनशिप है वो होल्डिंग ऑफ लैंड से डिराइव हो रहा हो और बदले में लोग सर्विसेज दे रहे हो। लैंड लो और आप यहां से सर्विसेज दीजिए।